हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। अभी हम लोग मेन डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं, तो मोबाइल को थोड़ा स्टेबल कर देता बच्चे लोग। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है, दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए सॉल्व करता हूँ, मस्त में हो जाएगा। एक मिनट, मोबाइल रख दूँ, स्टैंड में रखना पड़ता है ना, अगर ऐसा नहीं एंगल बनेगा तो टेढ़ा आ जाएगा सब ना, इसके लिए थोड़ा सेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, चलो आ जाओ, टाइम वेस्ट किया मैंने, स्टार्ट कर देता हूँ। बच्चों लोग का टाइम बहुत कीमती रहता है। ओके, तो मेन डिवीजन सॉल्व कर रहे हैं, पेन चेंज हो जा, बंटी, हाँ चल आ जा। तो मेन डिवीजन पे, मेन डिवीजन अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन से सबसे पहले क्या निकालने का, मेन निकालने का, क्या निकालने का, मेन। तो मेन के लिए जो नंबर ऑफ वर्कर, उसको एफ ले लिया, क्लास दिया, राइट। तो एफ, तो पहले क्या निकालेंगे, एक्स। एक्स मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। एक्स मतलब क्या होता है तुम्हारा, क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट। ओके, जीरो और दस, दस दोनों को ऐड करो, जीरो प्लस दस, दस होएगा, दस का था पाँच, दस बीस तीस, तीस का था पंद्रह, बीस तीस पचास, पचास का आधा पच्चीस, तीस और चालीस सत्तर, सत्तर का आधा पैंतीस, ये हो गया एक्स। अभी बनाएंगे एफ एक्स। एफ एक्स मतलब क्या करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। फाइव वन ज़ा फाइव, फिफ्टीन टू ज़ा थर्टी, ट्वेंटी फाइव थ्री ज़ा सेवेंटी फाइव, एक सौ चालीस। तो मेन मतलब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, चलो ढाई सौ आएगा, इसको ऐड करेंगे दस। तो मेन का फॉर्मूला क्या है, मेन को एक्स बार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स बार। तो मीन का फॉर्मूला है एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा ये, सिग्मा मतलब टोटल। तो किसका टोटल लेने का, एफ एक्स का, जिसका टोटल आ गया ढाई सौ, एफ का टोटल कितना आ गया दस, उसको उसको कैंसिल करके आंसर कितना आ गया पच्चीस, ये हो गया तुम्हारा एक्स बार। कुछ आया नहीं आया, मीन निकल के आ जाने का, मार्क्स तो उतना मिल जाएगा। पर अभी अपने को क्या पूछा है, मीन डिविजन फ्रॉम मीन, हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं, मीन डिविजन फ्रॉम मीन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन टोटल एफ, एक लाइन मारा एक्स माइनस एक्स बार मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, टोटल ऑफ एफ। ओके, तो अब ये आ गया गड़बड़ वाला पार्ट। तो अभी क्या दिया, एक्स माइनस एक्स बार, ये बहुत काम आएगा, एक्स माइनस एक्स बार बनाने का है। तो एक्स माइनस एक्स बार मतलब क्या, जो एक्स का वैल्यू है ना, ये एक्स तुम्हारा, इसको किससे माइनस करेंगे, एक्स बार से, मतलब हर एक को पच्चीस से माइनस करना है। तो ये कॉलम, ये लाइन बनेगा, फाइव में से ट्वेंटी फाइव गया। और मॉड मतलब होता है माइनस की साइन नहीं आएगी। ओके, जो भी आंसर अंदर आएगा पॉजिटिव रहेगा। तो पाँच में से पच्चीस गया, माइनस ट्वेंटी आएगा, पर आपको ट्वेंटी लिखना है। पंद्रह में से पच्चीस गया तो दस आएगा, तो आपको प्लस दस ही लिखना है। पच्चीस में से पच्चीस गया जीरो, थर्टी फाइव में से पच्चीस गया दस, तो ये तुम्हारा हो गया एक्स माइनस एक्स बार। अभी किसकी ज़रूरत है, एफ मतलब ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एफ को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको एक कॉलम बनेगा एफ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार, उसका टोटल लेने का। ओके, एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो ये कॉलम और ये कॉलम को मल्टीप्लाई करो, वन ट्वेंटी ज़ा ट्वेंटी, चल बीस, ज़ीरो, चार को दस से गया तो चालीस, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसका टोटल ले गए अस्सी आ जाएगा, राइट। तो आ गया ना मेन डिवीजन, एम डी लिख दिया मैंने, ठीक है, एम डी एच, असली मसाले सच सच है ना, भारी मसाला है। अभी किसका टोटल लेने का, एफ एक्स माइनस एक्स बार, मतलब इसका टोटल लेंगे, कितना आया अस्सी, सिंपल। एफ का टोटल, एफ का टोटल कितना है दस, कर दो डिवाइड, आ गया ना आठ, ये हो गया तुम्हारा मेन डिवीजन। क्या हो गया तुम्हारा, मेन डिवीजन। अगर अपनों को ये क्वेश्चन पूछा है, सपोज और क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ मेन डिवीजन, क्या पूछेगा, कोएफिशिएंट ऑफ मेन डिवीजन। तो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा मालूम है, मेन डिवीजन को डिवाइड करना है किससे, मेन से। इसके पहले कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन सीखे थे, तो पर स्टैंडर्ड डिवीजन को मेन से डिवाइड करा, अभी मेन डिवीजन को किससे डिवाइड करेंगे, मेन से। तो मेन डिवीजन मतलब ये आंसर, और मीन मतलब ये, तो मीन डिवीजन आठ डिवाइड बाय पच्चीस, परसेंटेज में लेना है तो इसके जीरो हंड्रेड डालना पड़ेगा, आठ को पच्चीस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवीजन मतलब कितना चेंजेस आया वो बताने का, तो बत्तीस टक्का आया, तो हो गया है ना मीन डिवीजन का। अभी एक और क्वेश्चन तुमको समझाता हूँ, देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तुमको आएगा, ये हो गया है क्लास, ये हो गया है नंबर ऑफ कस्टमर फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिख देने का, दोनों में मिड वैल्यू निकालेंगे ना, मिड मतलब बीच का, चालीस पचास नब्बे, नब्बे का था फोर्टी फाइव, पचास साठ, एक सौ दस का था पचपन, दस का क्या पता, दस दस ऐड करते गया आ जाएगा, राइट। ओके, एक सौ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें, एफ एक्स मिलेगा, फिर मीन निकालेंगे तुम लोग, पहला क्या निकालेंगे, मीन। तो इस तरह आपको ये सम सॉल्व करना है, ठीक है, सेम तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ये तरीके से तुम लोग को फॉलो करना है, राइट। ये क्या था तुम्हारा मेन डिवीजन, क्या था मेन डिवीजन, और दो तीन क्वेश्चन दे देता हूँ स्क्रीनशॉट में, ठीक है, ये लेके इसका आंसर डाल देना ग्रुप में, है ना, तुमको काम आ जाएगा, राइट। ये क्लास डेटा वाला करा है, विदाउट क्लास वाला भी एक साथ करा दूंगा, तो आसान में तुमको हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी रहेगा बच्चे लोग, डाउट पूछ लेना, एकदम इजी तरीके से ट्राई करो तुम्हारे लिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो पानी पी लेता हूँ।